हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। आपकी क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ने के लिए आपको क्लास 11 में रिलेशंस एंड फंक्शन जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसमें रिलेशन और फंक्शन का मतलब क्या होता वो पहले आपको जानना होगा। तो चलिए बेसिकली आज हम बात करेंगे रिलेशंस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? रिलेशंस पे बात करेंगे। तो रिलेशन में जो आपका मीनिंग था वो क्या मीनिंग आ रहा है? चलिए यहां पे क्या लैंग्वेज थी वहां पे क्लास 11th में? अ रिलेशन आर। एक रिलेशन को अपन लोग कैपिटल आर से डोट कर रहे हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी। सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन आर, इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता? इस लैंग्वेज का मतलब होता था आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सर ए क्रॉस बी क्या? तो ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब सर सेट क्या होता है? तो सेट तो आपने पढ़ा होगा कि सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स। क्लियर है? तो सेट आपके पास, जैसे मैंने मान लिया यहां पे, मान लीजिए आपका सेट ए क्या है? 1, 2 है। एंड सेट बी क्या है? ए कॉमा बी है। क्लियर है? सेट क्या है आपका? ए क्या है? 1, 2। सेट बी क्या है? ए कॉमा बी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी। इसको अपन लोग लिखेंगे कैसे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा? एक्स कॉमा वाई, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स इन सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स इन सेट बी। क्लियर है? तो आपका यहां पे ए क्रॉस बी क्या आएगा? एक्स कॉमा वाई आएगा, जो क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी कि एक्स, वो सेट ए में बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा यानी कि वाई, वो सेट बी में बिलोंग करेगा। क्लियर है? चलिए यहां पर क्या लिखेंगे? वेयर एक्स बिलोंग इन ए एंड वाई बिलोंग्स इन बी। तो इस तरीके की जो फॉर्म आती है यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट आएगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको सेट्स का, सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि आपका ए से जो एलिमेंट्स हैं, बी के साथ जो एलिमेंट हैं, उनको आपको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो देखिए बेटा यहां पे जैसे मैंने मैपिंग के, यहां पे क्या कहलाती है? मैपिंग। सब पढ़ चुके हो आप लोग। ये सेट ए लिया, ये सेट बी लिया, यहां पे 1, 2, यहां पे ए और बी लिखा। तो 1 का किसके साथ आएगा? ए के साथ। 1 का ए के साथ, तो 1, A। क्लियर? ये ऑर्डर पेयर हो गया, जो कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, और जो आपका सेकेंड एलिमेंट आया वो कहां से लिया? सेकेंड सेट से लिया गया। क्लियर है? इसी तरीके से 1 का किसके साथ? बी के साथ, तो 1, B। क्लियर? फिर 2 का किसके साथ? ए के साथ, तो 2, A। फिर 2 का किसके साथ? बी के साथ, तो क्या आएगा? 2, B। तो इस तरीके से इस ऑर्डर्ड पेयर, जो एडेड ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, इनका सेट ही क्या कहलाता है? ए क्रॉस बी कहलाता है। मतलब सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए सेट ए क्या है? 1, 2 है। बी क्या है? 1, B है। तो ए क्रॉस बी क्या आ गया? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1, A, 1, B, 2, A एंड 2B। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने पढ़ा होगा सबसेट्स। क्या पढ़ा होगा? सबसेट्स। तो सबसेट्स की कहानी क्या है? देखिए यहां पे बेटा, आपने पढ़ा होगा जैसे कोई सेट ए है आपके पास, कोई सेट, उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, कोई सेट ए है आपके पास, मान लीजिए उसमें एलिमेंट क्या है? ए
कॉमा बी या फिर और कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं हम यहां पे 3,4 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सेट ए कितने आएंगे, तो जितने एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 1 और 2, टू एलिमेंट्स। यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर टू एलिमेंट इन सेट ए, ओके। तो यहां पे टू एलिमेंट्स है सेट ए में, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एम, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए या ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्या बोला जाएगा, ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, 2 की पावर m। तो यहां पे कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4, क्लियर है। तो यहां पे अपन लोग सबसेट्स निकालेंगे, किसके निकालेंगे, इसके, तो ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाई, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिसको अपन लोग नल सेट भी कहते हैं, जिसको अपन लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, क्लियर है। तो फाई जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो सभी सेट्स का सबसेट हो, जितने भी आप सेट की बात करेंगे सभी का एक सबसेट तो आपका फाई रहता है। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट मतलब 3 आएगा, 4 आएगा, और जो सेट ए दिया गया है वो अपने आप का सबसेट भी होता है। कोई भी सेट है, ए लिया है तो ए, बी लिया है तो बी, जो आप सेट लेंगे वो अपने आप का सबसेट होता है, क्लियर है इटसेल्फ। तो यहां पे 3,4 भी ऐसा सबसेट होगा, तो कितने होगा, देखो 1, 2, 3, 4, और यहां पे क्या आया था, 4। तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। सेम कहानी यहां पे, सेम कहानी क्या है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2^m। तो m की प्लेस पे क्या है, कितने एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, 1, 2, 3 और 4, तो 2^4, क्लियर है। अब 2^4 कितना हो जाएगा, 16, तो देयर आर 16 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, देयर आर 16 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं, तो बेटा आपका वीडियो कर लो। हाँ बेटा, तो अपन लोग क्या कर रहे थे, ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखिए बेटा, ए अपन लोगों ने क्या लिया था, 1,2, एंड बी क्या लिया था, 1,b। तो ए क्रॉस बी क्या आया था, ए क्रॉस बी आया था 1,a, 2, 1,b, 2,a, 2,b, क्लियर है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, क्लियर है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2^4, विच मीन 16, कितने आए यहां पे, 16, देयर आर 16 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर। तो ए क्रॉस बी के 16 सबसेट आने के बाद अब सर कौन कौन से सबसेट्स होंगे, क्या होंगे सबसेट, तो चलिए यहां पे लिखते हैं, तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर क्या होंगे, सबसे पहला तो फाई एम्प्टी सेट, क्या होता है, एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो फाई यहां पे आपका सबसेट आ गया। दूसरा क्या आएगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट में 1,a एक बार लेंगे, क्या लेंगे, 1,a, फिर 2, 1,b का आएगा, क्या आएगा, 1,b, फिर 2,a,
तो ये 2, B। क्लियर, सिंगल सिंगल एलिमेंट के अपन लोगों ने सबसेट्स बना लिए, फिर डबल डबल एलिमेंट्स चूज करेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला बेटा यहां पे 1, A, 1, B। क्लियर है, फिर देखिए बेटा यहां पे, यहां से लिख रहा हूं 1, A, 2, A एंड 1, A, 2, B। एक बार मैंने इसको इसके साथ लिया, फिर इसके साथ लिया, फिर इसके साथ लिया, अब मैं यहां पे 1, B के साथ, 1, B के साथ क्या आएगा 2, A, 1, B के साथ क्या आएगा 2, B। क्लियर है, अब देखिए बेटा यहां पे क्या लूंगा मैं, 2, A लूंगा, और 2, A के साथ क्या आ जाएगा 2, B। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर है, अब तीन तीन एलिमेंट्स के साथ, 3 एलिमेंट्स साथ बनाएंगे अपन लोग। देखिए बेटा तो क्या आएगा, 1, A, 1, B, 2, A। क्लियर है, फिर यहां पे 1, A, 1, B, 2, B। क्लियर है, फिर देखिए बेटा यहां पे अपन ने 1, 2, 3 ये वाली है, फिर 1, 2, 3 ये वाले लिए, अब मैं क्या ले रहा हूं 1, 2, 3 ये वाले 1, B, 2, A एंड 2, B। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर है, एक और बच रहा होगा क्या, ये और ये लिया अपन ने, ये लिया, अब अपन लोग इसके साथ ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 1, A, 2, A, 2, A एंड 2, B। देखिए 1, A के साथ 1, B, 2, A, 1, A, 1, B, 2, B और 1, A, 2, A, 2, B। क्लियर, 15 हो गए। और एक जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो आपका सेट दिया गया है वो पूरा आपका क्या कहलाएगा, वो अपने आप का सबसेट होता है। क्लियर है, तो यहां पे 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, ये पूरा है। देयर आर 16 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देयर आर 4 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स 2 की पावर में आ जाएंगे। क्लियर है, कितने आ जाएंगे 2 की पावर में, तो 16, तो देयर आर 16 सबसेट। अब जो हम बात स्टार्ट किए थे, क्या बात स्टार्ट किए थे बेटा, रिलेशंस की बात किए थे स्टार्ट, किसकी बात किए थे, रिलेशन की। तो रिलेशंस की जब बात अपन ने स्टार्ट की थी, तो अब इन्हीं सबसेट्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेशन। क्लियर है, क्योंकि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस सेंटेंस का मतलब ही मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा, कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स क्या हो गए, देयर आर 16 सबसेट, तो आर क्या होगा, इन्हीं सबसेट्स में से कोई एक होगा या सारे होंगे। क्लियर है, आई बात समझ में, तो यहां पे रिलेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, 12th क्लास में क्या पढ़ना है, देखिए बेटा आज मैं स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा, 12th क्लास में अपन लोगों को पढ़ना है। लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए, आपको वहां पे 2 सेट मिल रहे थे, ए सेट से बी सेट के साथ रिलेशन निकालना था आपको। क्लियर है, तो आपने ऑर्डर पेयर उस तरीके से किया था कि पहला एलिमेंट आपने सेट ए से लिया था, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया था, लेकिन यहां पे लैंग्वेज क्या आ रही है, रिलेशन आर इन द सेट ए। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए बेटा इसका मतलब होगा आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब पहला सेट भी आपका सेट ए ही कहलाएगा और दूसरा सेट भी आपका सेट बी
सेट बी जो रहेगा वो भी ए ही रहेगा, अगर लैंग्वेज इस टाइप से आ रही है तो। 12th क्लास में आपकी लैंग्वेज यही रहेगी, 11th क्लास में जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए और बी का रिलेशन आपको निकालना था, यहां पर ए का ए के साथ ही निकालना पड़ेगा, यानी कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे क्या ध्यान देना है, तो यहां पे नंबर ऑफ ये सेट ए आपके पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, एन है या एम है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, m into m विच मीन्स m स्क्वायर, तो नंबर ऑफ यहां पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस a, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस a क्या होंगे बेटा, आपके 2 की पावर m स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, 2 की पावर m स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a कितने हो जाएंगे आपके बेटा, m क्रॉस m यानी कि m स्क्वायर, और जितना यहां पे आएगा वो 2 की पावर में जाएगा, ये अभी मैंने आपको समझाया था, क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।